ने ट्रस्ट किया, ब्लेसिंग दी जनता की, सर्व समाज की और सच्चाई की। जात पात नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और जो लोग इस देश में एग्रेशन हमेशा दिखाते हैं, एरोगेंसी दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं या नफरत की राजनीति दिखाते हैं, उसकी हार भी है, केंद्र में भी बिहार में भी है, तो गलत है ना। इस देश की जनता हमेशा बुद्ध के रास्ते, महावीर के रास्ते, राम के रास्ते, शिव के रास्ते, कृष्ण के रास्ते चले हैं। और आप हमेशा उत्तेजना वाली बात करेंगे, तो आज का युवा उत्तेजना नहीं देखना चाहता, वो जिंदगी चाहता है, वो जीना चाहता है, वो मुस्कुराना चाहता है। और सभी लोग लग गए, आज 25-30 सीट, कम से कम 25 सीट होती है आज इंडिया को। आप कितने कितने से हार रहे हैं, आप मधेपुरा हार रहे हैं, आप कटिहार हार रहे हैं, सुपौल हार रहे हैं, आप खगड़िया हार रहे हैं, आप बताइए ना। इधर इधर लेफ्ट यदि नहीं होता और पवन सिंह जी का जो चुनाव था जिसमें एक तरफा हमारे राजपूत समाज के लोग हो गए, तो सारे कुशवाहा डाइवर्ट कर गए सब लोग, जिसमें इधर सीट जीती। आप हमको बताइए ना कि बिहार में यूपी और महाराष्ट्र की तरह क्यों नहीं लड़ा गया। यूपी में अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार यूपी में देश में संघर्ष करते हैं। और जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में गए आप देख लीजिए, मिश्रा जी के यहाँ आए वहाँ आए उसमें भी आप देख लीजिए, अब स्थिति को देखिए ना, परिस्थिति देखिए ना। तो हालात आज क्या, ये अब मोदी सरकार तो होगी नहीं, एनडीए इंडिया की सरकार होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, कि अब तो मैं चाहता हूं नीतीश जी और चिराग जी, आपके भरोसे, आपके रामोक्रम पर सरकार है, आप चरण पादुका भी कर लिए हैं, तो सबसे पहले आप जो 69% आरक्षण दिए हैं देश में, आप वो लागू करवाइए। दूसरा जाति जनगणना लागू करवाइए। तीसरा विशेष राज का दर्जा लीजिए, विशेष पैकेज लीजिए। और बिहार के जो पलायन है, जो बाढ़ की स्थिति, हाई डैम आप बनवाइए, अधिक से अधिक एयरपोर्ट हो पूर्णिया में, हो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, तो आप करिए डेवलपमेंट। मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो। पप्पू यादव से सबसे सबसे व्यक्तिगत संबंध में है, क्या अगर ऊपर आता है तो पप्पू यादव एनडीए? सर, मेरी आइडियोलॉजी कंप्लीट रूप से राहुल जी, प्रियंका गांधी जी की है। पीएम मोदी से हम निश्चित रूप से मदद लेंगे पूर्णिया के विकास के लिए और सहयोग के लिए।